और आइए अब आपको ले चलते हैं NDTV टोयोटा एटियोस मॉनसून एक्सप्रेस के सफर पर और चलते हैं मध्य प्रदेश जहां पर किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। चिकलिया गांव के लोग गीतों से देवता को न्योता दे रहे हैं। देवता सूखी धरती की तरफ नजर करें और वर्षा हो। जब इंसान बेबस हो तो अपनी समझ के हिसाब से कोई न कोई सहारा ढूंढ लेता है। पुजारी ने कुछ तंत्र किया और किसी शक्ति से ज्ञान मिला कि 2-3 दिन में बारिश होगी। अब पानी बरसे या नहीं, इन्हें इत्मीनान हो गया है। अपनी तरफ से कोशिश तो कर ली। ये ऐसा बोलते कि मेघ राजा जल्दी से जल्दी आ जाए, हमारे लोग को पानी आ जाएगा तो मक्का बोएंगे, मक्के बूटे पकेंगे, हम नया करेंगे। जब भी मक्का खाएंगे, पानी गिरेगा तो मक्का पकेगी, नहीं तो कहाँ से पकेगी। नहीं तो ऐसे फिर अकाल पड़ जाता, फिर लोग बाग मजदूर पे चले जाते। और मिट्टी के ये जानवर मन्नत पूरी होने की गवाही दे रहे हैं। इंसान अपने भगवान से जब जब खुश हुआ एक तोहफा रख गया। और यहाँ झाबुआ इलाके का खास खाना दाल पानिया पक रहा है। इसे बाग रसोई या उज्जैनी भी कहते हैं। मालवा और निमाड़ के इलाके में ये रीत है कि बारिश वक्त पर ना आए तो घर में चूल्हा नहीं जलता, बागीचे में खेतों में खाना पकता है। एक तरह की पिकनिक है ये। बड़ी दिलचस्प रीत है। इन्हें लगता है कि ये घर से बाहर आ जाएंगे तो मेघराज इनके दुख को समझेंगे। अपना अपना विश्वास है, अब जो काम कर जाए। मकसद सिर्फ ये है कि बारिश हो, जोरदार हो और खेत सूखे न रहें। अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। इस गांव की तपस्या ये है कि सब अपने अपने घरों से निकलकर खाना पकाते हैं जब तक बारिश नहीं होगी। यहाँ दाल पानिया बना है और उसका भोग चढ़ाया जा रहा है मेघ देवता को कि वो खुश हों और जमकर बरसें। इनके लिए ये एक तरह की तपस्या है। तपस्या तो करना पड़ेगा मेघ बाबा के लिए। वो नहीं, अपन इसकी तपस्या नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा ऐसा लगता। झाबुआ से कैमरा पर्सन दिनेश हराले और राजेंद्र थले के साथ नगमा, NDTV इंडिया।